of the form 0 into infinity. लिख दिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. इसमें जैसे एक एग्जांपल देखो मिस्टर, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी x इनटू लेट्स से साइन ऑफ 1 बाय x. तो अगर ds लगा के इसका फॉर्म बोलोगे तो क्या आएगा? इनफिनिटी इनटू 0 ही आएगा एवरीवन. अब अच्छा yes, sir. 1 बाय x कहां पे जा रहा है? 0 पे. तो साइन 0 कहां पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है ना. Yes, sir. अब इसको मैं तुम्हें बोलूं नहीं, if I just ask you to solve it, तुम आराम से कर लोगे. तुम पता है क्या करोगे? अपना आप x को नीचे ले जाओगे, ऐसा बनाओगे, इसको कैपिटल ले लिखोगे, इसको कैपिटल ले लिखोगे, आंसर वन बोलोगे. जल्दी से एग्री करो. हाँ ना? Yes, sir. So if you have not realized it, तुमने इसको 0 by 0 में कन्वर्ट कर दिया है. देखो एग्री करो, कम ऑन. हाँ ना? Yes, sir. इन्फिनिटी इंटू जीरो को सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसको 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो. कैसे कन्वर्ट करना है? या तो किसी टर्म को नीचे रेसिप्रोकल में ले जाओ, जैसे इस क्वेश्चन में हम x को नीचे ले गए. एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? या फिर x को 1/t रख दो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा. देखो मेथड टू वही की बात है, तुम सबको पता है x को 1/t रख दिया तो लिमिट t टेंड्स टू 0 x की जगह 1/t हो जाएगा, sin t हो गया. ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला बन के फटाफट आंसर लिख दोगे. हाँ ना? यस सर. यस सर. ये एजेंडा बता दिया मैंने तुम्हें कि ये दोनों हमें कन्वर्ट करना है बाय आइदर रेसिप्रोकल और x को 1/t. कॉपी फर्स्ट. कर दिया सब? सो वन कॉपी जल्दी करो. Are we done, all of you? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो. डीएस लगा के पहले फॉर्म तो बताओ. इनफिनिटी इनटू जीरो ये क्या? यस यस सर. एवरीवन? यस सर. कंटिन्यू देन. जीरो एलएन वाला जीरो कैसे? एक्स को 1/t कर सकते हो, एक्स को नीचे ले जा सकते हो. एलएन वन हो गया ना बच्चे, ये इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है देखो दी. तो ln x अपॉन x कॉमन लेगा 1 + 2 x x x चले जाएगा, ये 0 पे गया. ln 1 ln 1 कितना होता है? 0. अब इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने टिप्स बताया जल्दी से उससे सॉल्व करो. सबसे इजी रखना हो तो x को 1/t रखो. देखो खुद करो. करेक्ट.
First answer, jaldi everyone else also. Kushal sahi, yes sahi. Baki sab jaldi se. Now Devin. ओके फर्स्ट अब तक सबका हो जाना चाहिए था, मैं कर रहा हूँ। दूसरे बच्चे सेकंड आगे बढ़ो। 1 by t ln 1 by t upon 1 by t plus 2, it is limit t tends to 0 1 by t ln of 1 upon 1 plus 2t। देखो 1 upon है उसको तो नेगेटिव कर दो, माइनस यहाँ रख देता हूँ, माइनस 1 by t ln 1 plus 2t हो जाता है, करेक्ट बच्चों? हाँ भाई, यस सर, सही है। अब तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ln 1 plus x upon x 1 होता है, तो ये 2t है तो 2 into 2 कर दिया, इतने पार्ट का आंसर 1 minus 2 सेकंड का। अब तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना कि भाई आए ना, इसकी लिमिट चेक कर लूँ, एक्सटेंडिंग टू 0 हुई है, इंफिनिटी हुई है, 0 into sin this। इसकी लिमिट इंफिनिटी रखना बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। सुन लिया सबने? एवरीवन? यस सर। बाकी सबने सुना? जोश नहीं चाहिए भाई, जोश चाहिए सर। आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। यस सर, सुन लिया। यस सर। हाँ सर। ओके रुक, सर सो लास्ट स्टेप वापस समझा सकते हो? फर्स्ट वाले कौन सा स्टेप अच्छे? तो लास्ट में ग्रीन में आपने किया, ग्रीन वाला का तो आंसर 1 है क्योंकि ये लिमिट 1 होती है ना। यस, ln 1 plus x upon x क्या होता है सोमन? यस 1 होता है, तो ये ग्रीन वाला 1 हो गया ना। ओके सर, सेकेंड क्वेश्चन, हरी अप। करेक्ट, यस गुड, आयुष मिश्रा करेक्ट। सत्या करेक्ट, जिनका हो गया ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, बाकी सब के लिए फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फोर माइनस एन, बाकी सब बच्चे मेरे साथ देखना, इनफ टाइम, x को 1 by t रखेंगे, लिमिट t टेंस टू 0, ये 1 by t स्क्वायर हो गया, साइन ln अंडर रूट cos t cos pi t, x को 1 by t रखेंगे या pi t रखेंगे, क्या बेटर रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? pi by t बेटर रहेगा ना?
हाँ बच्चों थोड़ा दिख रहा है कि पाई बाय एक्स को टी रखूंगा तो बेटर है ना एवरीवन? यस सर। इसलिए मैंने वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो गया पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर साइन एल एन रूट कॉस पाई बाय एक्स हो गया कॉस टी, ताकि थोड़ा ईजी लगे। ओके अगर अब इसको मैं कैपिटल ए बोल दूं, बताओ भाई कैपिटल ए जीरो पे जा रहा है क्या एवरीवन? यस सर। तो देयरफॉर कैपिटल ए इनटू ए, तुम्हें पता ही है पूरा लिमिट्स का चैप्टर ही अपन ऐसा कर रहे हैं, तो पाई स्क्वायर इसका आंसर सर्कल वाले का आंसर वन हो गया, करेक्ट ना? यस सर। और बच गया मेरे पास ln स्क्वायर रूट कॉस टी। ओके ln के अंदर हम क्या पसंद करते हैं, वन पसंद करते हैं, तो वन ही है। ओके अब इसको ऐसा लिख देता हूं मैं ln होल स्क्वायर कर दिया। ओके ln के अंदर मुझे वन चाहिए, वन नहीं है तो मैंने वन क्रिएट कर दिया, आई होप ये माइंड नहीं करोगे। देखो इसको मैंने पूरे को कैपिटल बी बोल दिया, ln 1 प्लस बी दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है एवरीवन? यस सर। तो मैंने b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे b स्क्वायर कर दिया, t स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया, जो सर्कल है उसका आंसर कितना है बोलो? 1। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर इनटू b स्क्वायर बाय t स्क्वायर, b स्क्वायर कौन है रूट cos t माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय t स्क्वायर है, क्या करें इसको बोलो? स्पेशलाइज एवरीवन? यस। तो पाई स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये कॉस टी माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके नीचे टी स्क्वायर तो है ही है, और क्या आ जाएगा रूट कॉस टी प्लस वन, सही बोल रहा हूँ बच्चों? यस। ओके कहीं कुछ टर्म हमने उड़ाया तो नहीं है, कम लग रहा है मुझे। साइन ए एल एन रूट कॉस टी, ये स्क्वायर कहाँ से आया, स्क्वायर था कहाँ, मैं स्क्वायर लाया कहाँ से? बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर नहीं होगा, नहीं बी स्क्वायर है ही नहीं, बी था। यस सर, बी हो, बी स्क्वायर था बस, एल एन वाला टर्म स्क्वायर में थे ना था। यस यस सर, कार्टूनों ये बी है, देखो ध्यान से बताओ ये स्टेप तो क्या ना एवरीवन? यस सर। बस बी अपॉन बी इनटू दिस, तो ये बी है सिर्फ, ये बी मतलब सिर्फ ये, तो इसको रैशनलाइज कर दिया, यहाँ पे रूट कॉस टी प्लस वन आ गया, कॉस टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर। यस पाई स्क्वायर इस पर डी एस लगा दिया, वन प्लस वन कितना होता है टू, और इसका आंसर कितना होता है बच्चों? माइनस हाफ, तो आंसर माइनस पाई स्क्वायर बाई फोर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Complete first. हो गया, कैन आई गो नेक्स्ट पेज एवरीवन? यस यस। लिमिट्स ऑफ द फॉर्म कौन से बच गए बताओ खुद ही, अभी तक पांच कर लिए, दो और बाकी है, कौन से बच गए यू टेल मी? जीरो रेज टू पावर जीरो, करेक्ट, और एक और कौन सा बच गया? इनडिटरमिनेट का तो मतलब होता है कि हम बोल नहीं सकते जब तक हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, बट इसमें तो हम बोल सकते हैं आंसर ही इन्फिनिटी है, आया ना? यस सर। ये इस कैटेगरी में नहीं आता है अपनी सात वाली कैटेगरी, तो इसका एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे उसी के साथ स्टेप्स बताऊंगा कि क्या सोचना कैसे करना पड़ता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, डी एस लगा के फॉर्म बताओ? जीरो की पावर जीरो, जीरो, जीरो की पावर जीरो है। आई होप ये तो सबको ही पता है, दिस ऑल जीरो मीन्स टेंडिंग टू जीरो है ना? यस
यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, अगर तुम्हारा लिमिट है जीरो की पावर जीरो, सुनना ध्यान से, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो ये ऊपर वाला जीरो नीचे आ जाएगा, करेक्ट एवरीवन? अब बताओ ln लेने के बाद कौन सा फॉर्म हो गया है? जीरो इंटू ln जीरो प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, तो माइनस तो ठीक है, कोई परवाह नहीं हमें, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, एग्री करो बच्चों? Yes, sir. तब कौन सा फॉर्म जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है ना? Yes, sir. तो जीरो इंटू इन्फिनिटी में फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? अभी याद करा था इसको, किसमें हम जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं एवरीवन, है ना? Yes, sir. ये जो जीरो वाला टर्म होगा उसको मैं रेसिप्रोकल में ले आऊंगा, फिर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हो जाएगा, फिर उसके बाद एल हॉस्पिटल या जो भी सॉल्व करने वाले मेथड है वो लगा दूंगा। बताओ स्टेप समझ में आ गए? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, बोलते जाओ। लॉग ले लेते हैं, ln l is equals to limit x। ऐसा तो नहीं लगता ना कि log के अंदर लिमिट जाएगी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, log is just a, sorry, limit is just a value, तो तुम log के अंदर लगाओ बाहर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आए ना? Yes, sir. Square ln x minus x square, देखो तो अभी ds लगाओगे तो इसका फॉर्म जीरो इंटू ln इन जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा? जीरो बाय जीरो या इस टर्म को नीचे ले जाएं, ln को नीचे ले जाना तो मतलब पैथेटिक है, x स्क्वायर को नीचे ले जाना बेटर है ना एवरीवन? यस सर। अगर आप ds लगा के फॉर्म देखोगे तो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी हो गया, इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसके बाद अब निकाल लेते हैं, एल हॉस्पिटल लगा रहा हूं, क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छा साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन 4 cos 4x मतलब चेन रूल लगाना आता है ना सबको? यस सर। तो ln का डिफरेंशिएशन पहले तो 1/x - x² into चेन रूल से 1 - 2x, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2/x³, करेक्ट लिखा है? यस सर। ओके तो इसमें तो ds लगाओगे ये 1 हो जाएगा, x³ या -2, x कॉमन लूंगा 1 - 1x कटेगा, यहाँ पे ds लगाओगे बट x स्क्वायर स्टिल बचेगा तो वो जीरो ही होना है, आया ना? यस सर। तो बस वही कर ली दुनिया मुट्ठी में, ln l is 0, l is e की पावर 0, दैट इज आंसर आ गया 1। क्लियर एवरीवन? यस सर। पूरा क्वेश्चन में आराम से पुराने फॉर्म्स ही हैं इसलिए ये सब फॉर्म्स फास्ट होंगे, कॉपी करो। Ten seconds.
हो गया सबका आप फाइनली? यस यस सर, एक मिनट. एनफ टाइम. करो जल्दी से. जल्दी फर्स्ट टाइम सर, फटाफट चैट पे. फर्स्ट तो अब तक आ गया होगा, सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया चैट पर अभी तक. कम ऑन करेक्ट. पार्थ, कौशल, आयुष, यश, अमर, प्रवेद, सही है सबका. आयुष सेकंड भी सही है, वेरी गुड. फर्स्ट जिसका नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, दूसरे बच्चे कंटिन्यू. पृथ्वीराज नाम का बच्चा क्वेश्चन नंबर लिखा कर. रुग्वेद सेकंड करेक्ट, कुशल सेकंड रॉन्ग. सामर्थ सेकंड करेक्ट, गुड. इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली बीच में माइनस है, डायरेक्टली तो कर नहीं पाओगे ना, तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ही क्या होना चाहिए कि अच्छा इसका तो आंसर निकालें, क्योंकि दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट दिस ऑल्सो. मतलब एक तरीके से लिमिट में फॉर्म कौन सा है वो चेक कर रहे हैं हम. क्या ये सबको समझ में आ गया? यस सर. हम एक्स के बारे में कहाँ पे जा रहा है वो तो निकालें कम से कम.
सेकंड के लिए लास्ट मिनट लास्ट 30 सेकंड्स काफी है। यस सही सेकंड था दोनों कुशल था सेकंड साइड। यस एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो जो दिया था वो बताओ। थर्ड सॉरी सेकंड का आंसर मैं कर रहा हूँ LNL is equal to इसका बहुत जल्दी निकाल देना क्लियर होता है। x ln x ln l is equal to limit x tends to 0 ln x by 1 by x ln l is equal to limit 1 by x divided by minus 1 by x square। तो x ऊपर आएगा ये 0 जाएगा मतलब इसका आंसर 1 है करेक्ट। पूरे का नहीं सिर्फ x की पावर x का। तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं हम समझने के लिए। देखना मेरे साथ x को जब 0 रख रहा हूं ये वाला पार्ट 1 पे जा रहा है एग्री करो एवरीवन। और ये वाला पार्ट 0 पे जा रहा है तो कैन आई से फर्स्ट टर्म 0 की पावर 1 पे जा रहा है एवरीवन। यस यस सर। और ये वाला टर्म अभी डिसाइड किया 1 पे जा रहा है तो बस आंसर ही आ गया डायरेक्ट। क्या ये सबको क्लियर है सेकंड? यस सर। यस सर। यस थर्ड के लिए जल्दी से करो। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी की पावर 0 का ही क्वेश्चन है। डायरेक्टली बीच में प्लस नहीं कर पाओगे तो एक 1 बनाने की कोशिश करो। यू विल लव 1 आल्सो। ट्राई टू क्रिएट 1 इन दिस बाय टेकिंग समथिंग कॉमन। करेक्ट पावर क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो दिया था मैंने जल्दी से कॉपी कर दो। सर कैन यू शो थर्ड क्वेश्चन वंस? अभी पहले थर्ड कर रहा हूं। मैं वो एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया है। ये ले थर्ड क्वेश्चन बच्चे। नो आयुष थर्ड का मिस्टेक है चेक करो। थर्ड थर्ड सही सर सर सॉल्व कर। करना है थर्ड सही आयुष थर्ड सही डिस्कस कर सकते हैं क्या बच्चों? थर्ड एवरीवन से 2 मिनट 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है। 1 मिनट और हरियर तो फिर जब मैं दिखाया था तो बार बार वापस नहीं करूंगा बच्चे। जब दिखाया था तब नोट डाउन करना फिर अपडेट करो थोड़ा। नौ
फर्स्ट मिस्टेक सही है अनिता सही चलो enough time let's do it सबसे पहले तो l लिया मैंने इसको और सबसे पहले log ले ही लेते हैं जैसे हमने decide किया था ln l is equals to limit n tends to infinity 1 by n ln of 4 की power n plus 3 की power n ln l is this अब क्या करूं direct infinity ln infinity by infinity form है सॉल्व करने के लिए तो डिफरेंशिएट करके भी कर सकता हूँ या फिर 4 की पावर n को कॉमन भी ले सकता हूँ ताकि 1 प्लस क्रिएट हो जाएगा व्हाट यू विल प्रेफर क्या कर रहे हैं बोलो n की 4 की पावर को कॉमन कॉमन ले लें इसके बिना भी डिफरेंशिएट करके कर सकते हो बट 1 की पावर का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत मजदूरी थोड़ी सी तो इसमें अगर मैंने कॉमन ले लिया अब कौन सा रूल यूज करूंगा बच्चों प्रोडक्ट रूल ln mn ln m प्लस ln n यहाँ पे एन आगे आ जाएगा एज यू नो दोनों में एन डिवाइड कर दिया एज यू नो एन एन चला गया मतलब इसके तो लिमिट ही निकल आई है एल एन फोर प्लस यहाँ पे अगर ये वाले टर्म को ए बोलूँ ए जीरो पे जा रहा है ए इनटू ए कर दिया बच्चा ये वाला टर्म वन पे जा रहा है करेक्ट ना एवरीवन यहाँ पर यस सर इसकी पहले लिमिट क्यों सोचो क्योंकि बीच में प्लस है तो मैं लिमिट अलग से नहीं रख सकता याद है मैंने बार बार बोला एवरीवन यस सर तो अभी मैं नहीं रख रहा मैं ऐसा फॉर्म बना के तो रख ही सकता हूँ ना एवरीवन यस सर इनटू ए ए कौन है 3 बाय 4 की पावर n डिवाइडेड बाय n देखो यहाँ तक अब मैं लिमिट पूरे में रख रहा हूँ पूरे में रख रहा हूँ तो बिल्कुल रख सकता हूँ ln 4 प्लस ये वाले टर्म का आंसर 1 इनटू ये वाले टर्म का आंसर कितना 0 बाय तो ये पूरा कितने पे जा रहा है 0 पे क्लियर एवरीवन यस सर यस सर यस यस जीरो ही तो रखा है ना मैंने क्या प्रॉब्लम है बच्चे मैंने कुछ नहीं सर चले आगे बढ़े एवरीवन यस ऑप्शन क्या सबका ज्योमेट्रिकल लिमिट वाला एक क्वेश्चन कॉपी कर लिया था ना बस एक क्वेश्चन ही काफी होता है एवरीवन कॉपीड ना यस सर यस सर उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या कुछ मतलब आई होप उस क्वेश्चन को देख के समझ गए कि इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री लिमिट तो सिर्फ लास्ट स्टेप है डिड यू फील दैट एवरीवन यस सर यस सर चलो सैंडविच थ्योरम का रिवीजन करते हैं और फिर एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा इट्स वेरी वेरी अनइम्पॉर्टेंट बच्चे बुक में देख लेते हैं पूछते हैं इसलिए करा देते हैं अदरवाइज कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं ना आएगा कुछ का टॉपिक इसके है एक दो क्वेश्चन बट वो जेई लेवल के नहीं है फिर वो बहुत ही हाई लेवल के हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन दूंगा तुम्हें फाइट मारते रहना देखना तुम्हारी इच्छा हो तो करना मतलब नहीं होगा यूं तो टाइम लगेगा काफी सैंडविच थ्योरम स्क्वीज प्लेट थ्योरम भी बोलते हैं सबने थ्योरी नोट्स तो बना दिया ना एवरीवन मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ यस यस सैंडविच थ्योरम कब यूज करते हैं बताओ व्हेन द नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड फेल्स करेक्ट एवरीवन यस तो बेसिकली फंडा होता है कि अगर हमें f की लिमिट निकालनी है a पे बट हम डायरेक्टली निकाल नहीं पा रहे हैं किसी रीजन के कारण बट हमने ये जज कर लिया कि f एक फंक्शन है जो हमेशा h फंक्शन से छोटा है हमेशा g फंक्शन से बड़ा है तो यस टॉपिक का नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है मैंने f को स्क्वीज कर दिया है h के और g के बीच में ऑल ऑफ यू एग्री यस यस तो yes. मैं लिमिट को किसी भी पॉइंट पे लगा सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी भी लगा सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी भी लगा सकता हूँ क्या सी पे एफ का जो आंसर है वो एच के आंसर और जी के आंसर के बीच में ही है क्या यस सर हाँ है
बट मैं वहां पे लगाने से कोई फायदा थोड़ा होगा, मेरे को आंसर मिलेगा 2 से 6 के बीच में, बट लिमिट तो नहीं निकले ना। हाँ है ना? यस यस सर। बट अगर मैंने लिमिट ऐसे पॉइंट पे लगाई जहां पे दोनों का आंसर सेम आ जाता है, एल लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एल, इसका मतलब क्या होगा? कम ऑन, लिमिट का आंसर कितना है? एल ही है। हाँ ना एवरीवन? यस सर यस सर यस सर। सिंपल फंडा है, क्वेश्चंस में एक दो फील आनी चाहिए। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। x plus 7 sin x divided by minus 2x plus 13। देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर सैंडविच थ्योरम के बिना भी निकाल सकते हो। इनफिनिटी बाय इनफिनिटी में मैंने x से डिवाइड कर दिया एवरीवन। 1 plus 7 sin x by x upon x common minus 2 plus 13 by x, x x चला गया, इसका आंसर 0 हो गया। इसका आंसर 1 है या 0 है, सोच के बोलना। जीरो। वेरी गुड, कितना? जीरो है, क्योंकि इसका आंसर वन क्यों नहीं है? एवरीवन सर, बिकॉज़ साइन एक्स कैन ओनली रेंज फ्रॉम माइनस वन टू वन, बिकॉज़ ये जीरो पे नहीं जा रहा है एंगल, जीरो पे नहीं है एंगल, एंगल इंफिनिटी पे है। तो साइन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, वन बाय इंफिनिटी तो जीरो ही होगा ना बच्चों? यस सर यस सर। तो ये जीरो हो गया, तो आंसर कितना आ गया सबको दिख रहा है? माइनस हाफ। एवरीवन यस सर यस सर। अब सैंडविच थ्योरम से करेंगे तो हमें इस फंक्शन को दो फंक्शन के बीच में निकालना है। बहुत इजीली बोल सकता हूँ यार, बेस्ड ऑन रेंज ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स हमेशा माइनस वन से वन के बीच में होता है, एग्री करो? यस सर। तो ये फंक्शन इससे छोटा होगा, जल्दी से एग्री करो? यस सर यस सर। और हमेशा इससे बड़ा होगा, एग्री करो? यस सर यस सर यस सर। दोनों पे लिमिट लगा दी मैंने इंफिनिटी पे, अगर दोनों का आंसर सेम आया तभी मेरे काम का है। इन्फिनिटी में इसकी लिमिट तो आप डायरेक्टली बोल सकता हूँ माइनस हाफ, सबको दिख रहा है? यस यस सर। और यहाँ पे गलत लिखा मैंने, हाँ इसकी भी लिमिट कितनी है? माइनस हाफ। एल का आंसर माइनस हाफ आ गया। इज दैट क्लियर? यस सर यस सर। किसी को थ्योरी पॉइंट से डाउट सैंडविच सर? हाँ तो क्लिक कैसे होगा कि कब कब सैंडविच थ्योरम लगाना है? वो एग्जाम के बीच में हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करेंगे। ओके okay. अरे तो बच्चे ऐसे ही है यार, मतलब ये हर चीज कैसे क्लिक होती है कि ये जैसे किसी में किसी का क्वेश्चन है, कोई किसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस तो ये भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा कि जब ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो नॉर्मल से नहीं निकल रहे तो सोचेंगे एक दिमाग से कि कहीं सैंडविच से कुछ अप्लाई करके देखते हैं, कुछ ऐसा फंक्शन सोच सकते हैं। इसलिए ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, नॉट एग्जाम पॉइंट से टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक का मतलब समझते हो कि रिजल्ट्स टाइप का, जैसे एक सम को लेकर बैठ गए दो दिन के लिए। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। वैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके, इसलिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं। टॉपिक खराब नहीं, टॉपिक तो बहुत अच्छा है, जेई फ्रंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैंने जो तुम्हें लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजी थी उसमें कोई क्वेश्चन कराया था क्या सैंडविच थ्योरम का ऐसा? हां सर कराया था। यस सर। ये वाला कराया था ना एवरीवन? यस यस सर यस सर। सबने कर लिया था ये वाला? यस सर। आई होप सबने समझ में आया था कि मैंने लेफ्ट में राइट yes, में देखा था और दोनों की वैल्यू निकाल के सॉल्व सेम रख दिया था उसको, बस ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारे को। Evaluate limit n tending to infinity summation r equal to 1 से n r upon n square plus n plus r. Should I do it directly? क्योंकि समझाना बेटर रहेगा, तुम ट्राई करोगे तो बहुत। सर ये ऊपर वाला नहीं करना है ना, ये तो करवा दिया था आपने। ये तो हाँ हो गया हमारा डिस्कस, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। Should we do it together everyone? Sir triangle. हाँ सर ट्राई करने तो बेसिकली ये ध्यान रखना कि ऐसे फंक्शंस जी और एच ऐसे होने चाहिए जिसका डिनोमिनेटर सेम हो ताकि एलसीएम लेने में कन्वीनियंस रहे।
Sir, your voice is breaking. Yes, बच्चों. क्या निकालना है वो थोड़ा जज करो. अच्छा, वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू प्लस थ्री अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस थ्री, ये निकालना है. नो पृथ्वीराज, सब क्या करें. So, एक मिनट. तपस्या नो सानक के तरह सनी का तरह तपस्या एन टेंडिंग टू इनफिनिटी क्वेश्चन नो चलो इनफ टाइम. ओके मेरे साथ देखो, पहला वाला काम तो ठीक है, भूल जाओ. ये टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू, इससे एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन अगर ऐसा रखो तो सही लिखा है क्या. इनइक्वालिटी का साइन नीचे छोटा कर दिया तो ऊपर पूरा, तब तो बड़ा ही हो गया ना एवरीवन. यस सर. यस. और यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस बोलो एन. I hope सबको समझ में आ गया मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ एवरीवन. यस सर. तो थ्री में भी ऐसे ही लिखूंगा, मतलब न्यूमरेटर सेम ही रहेगा. तो अवर लिमिट एल इज सेम एज लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, पहले वाले टर्म को सेम रखा, दूसरे वाले टर्म की जगह ये लिखा टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, आई होप चेंज दिखा, प्लस थ्री अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ताकि सब जगह डिनोमिनेटर सेम लिखा, ताकि न्यूमरेटर में मतलब एलसीएम इजीली ले पाऊंगा. आई होप एवरीवन ओके. यस ओके एवरीवन. यस. लेफ्ट साइड में क्या लिया, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन की जगह मैंने एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन ले लिया, टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन ले लिया, एन सो ऑन एन टर्म्स. लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हैं, नीचे हो गया एन स्क्वायर प्लस टू एन, ऊपर हो गया वन प्लस टू प्लस थ्री एन, दैट इज एन इनटू एन प्लस वन बाय टू. करेक्ट एवरीवन. यस सर. यस सर. is less than limit n tends to infinity, n square plus n plus 1, upar a gaya n into n plus 1 by 2. Correct everyone? Yes sir. So limit lagai n square ka coefficient yahan pe 1 hai, yahan pe n square ka coefficient 2 hai, yahan pe n square ka coefficient 1 hai, yahan pe n square ka coefficient 2 hai, so therefore l is half. Clear? Yes sir. Yes sir. Koi doubt? No sir. सर स्टार्ट में ही 1 बाय n कॉमन ले सकते थे ना. क्या बोला? स्टार्ट में ही 1 बाय n कॉमन ले सकते थे ना. कहां पे 1 बाय n?
स्टार्टिंग में बिफोर एक्सपेंडिंग यहां पे 1 बाय n कॉमन ले लो हां जी तो n n सारे निकल जाएंगे ना ds लगा के 0 0 0 ये है अब क्या करूं इसका पता नहीं हैं नहीं कुछ नहीं ठीक है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना कभी कुछ ट्राई करना मतलब होगा तो मुझे जरूर बताना ये मैं कराऊंगा नहीं ये बहुत लंबा क्वेश्चन है सुन लिया सबने तुम्हारे पास चैलेंज की तरह करना हो तो कर सकते हो नहीं करना तो कोई बात नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब बहुत है सुन रहे हो एवरीवन यस यस सर यस सर 2n plus 2k plus 1 divided by 2n plus 2k चलो ये तो यही कॉपी कर लेना नेक्स्ट है उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम के लिए कि ग्रामेटिकली मैंने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होगा आई थिंक एज एक्स टेंड्स टू जीरो इनइक्वालिटी होती है कि कॉस एक्स साइन एक्स बाय एक्स से छोटा होता है ये वन होता है ये टेन एक्स बाय एक्स ऐसा होता है हमने जज किया था ये देखा था क्वेश्चन में यस यस सर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था ना मैंने एवरीवन यस सर इसको प्रूव भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन से कर सकते हो ज्योमेट्री से कर सकते हो एक सर्कल को लेके भी कर सकते हो मतलब मैं जस्ट आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ इसका प्रूफ तो करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे जैसे ये मान लो एक सेक्टर लिया मैंने यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है एक्स इसका रेडियस है वन मान लो तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बोलना बच्चों वन कॉस एक्स कॉमा वन कॉस एक्स वन साइन एक्स ना एवरीवन तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस लेस देन एरिया फैक्टर लेस देन दिस अगर मैंने इस पॉइंट को ए बोला इसको ओ बोला इसको लेट्स से पी बोल दिया डायग्राम देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी सबको दिख रहा है एओपी एरिया यस सर यहाँ तक का दिख रहा है ना Yes. It will be less than or greater than area of the sector AOP. जल्दी बोलो. Less than. And it will be further less than area of the triangle AOT. आया ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब area of triangle AOP कितना है बताओ? Tan x by x. AOP का area half into base. Base कितना है? 1. Into height कितना होगा? Sin x. जल्दी से ओके करो बच्चों यस एरिया ऑफ द सेक्टर एओपी कैसा होगा बोलो सेक्टर एओपी हाफ आर स्क्वायर थीटा आता होगा आई होप यस सर अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ सोचो जल्दी से ट्रायंगल एओटी ये राइट 90 डिग्री है तो हाफ इनटू बेस तो 1 हो गया हाइट ये चाहिए तो ये एंगल एक्स है तो ये टेन एक्स हो गया Sounds good, everyone? Yes. Yes, sir. Half चला गया. मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि sin x, x और tan x देखो ऐसी inequality generate करता है. सबको दिख रहा है, everyone? Yes, sir. Yes, sir. इससे मैं आराम से ये प्रूव कर लिया. X से divide कर दिया. अगर x को positive angle अभी obviously माना है, तो देखो ये प्रूव हो गया. Correct, everyone? Yes. Yes. cos x की बात कर रहे हैं तो cos x कहाँ से लिया है sin x is less than sin x by cos x तो अभी सब एंगल्स पॉजिटिव हैं तो cos x is less than 1 तो हो ही गया है और कैसे कर सकते हैं cos x को मुझे किससे लेस करना है sin x by x से तो यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई cos x is less than sin x by x एवरीवन ओके Yes. But together, I can say cos x is less than sin x by x is less than 1 is less than 10 x by x. Hai na bachcho? Yes, sir. So, ye maine question kyun bataya ki sabko feel aana chahiye ki limit extending to 0 pe jo hum sin x by x ka answer 1 likhte hain, wo actually 1 se just chota hota hai. Hai na everyone? Yes. Yes. Sin x by x actually kitna hota hai? 1 प्लस होता है यस और नो
यस यस बच्चों इतनी लेट आवाज आ रही है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या इसका आंसर वन होता है बट हमें दिख रहा है आंसर एक्चुअली वन से छोटा है ना वो तो लिमिट 0.9999 होगा तो उसको क्या लिख दोगे बताओ वन लिख देंगे और एक क्वेश्चन और दे दिया इसके साथ लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाय x का बॉक्स और फिर लिमिट तो दोनों में डिफरेंस आएगा लिमिट क्या होती है एक फाइनाइट वैल्यू लिमिट का आंसर कभी 1.99 तो नहीं लिखते हो ना अगर ऐसा आ रहा होता है तो 2 लिख के छोड़ते हो हां है ना यस सर यस यस तो देयरफॉर अब बताओ sin x / x का आंसर एक्चुअली 1 माइनस होता है बट लिमिट तो एक फाइनाइट वैल्यू होती है लिमिट का आंसर 1 माइनस तो नहीं लिखते हो ना एवरीवन 1 लिख के छोड़ते हो यस और नो यस यस सर यस सर का आंसर आएगा 1 का बॉक्स दैट इज आंसर इज 1 साउंड्स गुड यस सर अब यहाँ पे आंसर निकालना है तो कहना इसे मुझे इसकी रफ वैल्यू तो सोचनी पड़ेगी ना और इसकी रफ वैल्यू इसी के करेस्पॉन्डिंग आएगी आया ना यस सर एज एक्स टेंड्स टू जीरो हम सबको पता है कि साइन एक्स पर एक्स एक्चुअली वन नहीं होता है वो वन माइनस होता है सो देयरफॉर इसका आंसर बॉक्स ऑफ वन माइनस आएगा दैट इज जीरो हो जाएगा क्लियर यस सर यस सर ऐसे ही क्वेश्चन अगर मैं टेन में दूं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 10x by x का होल बॉक्स और एक दिया लिमिट x टेंड्स टू जीरो 10x by x का बॉक्स फिर लिमिट अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये 1 प्लस होता है तो दोनों ही जगह आंसर क्या है 1 जल्दी से फील करो यस सर यस सर यस सर ये वाला पार्ट तक कॉपी किया था ना सबने यस सर आना रिकॉर्डिंग में एवरीवन कोई डाउट इसमें चलो नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन थ्री एक्स बाय एक्स करो ये फर्स्ट आंसर कितना है एवरीवन बोलो अब तक टू टू दशा विराज करेक्ट और करेक्ट ओके आई थिंक इनफ टाइम सेकंड वाला हो गया सबका
क्वेश्चन है इसलिए सोच लिया दोनों या बाकी है सोच रहे चल डिस्कस करेंगे तो अब ये तो लिमिट लग रही है उसके बाद बॉक्स जो लगा ना लगा कोई मतलब नहीं अपन तो लिमिट का आंसर देख लेते हैं लिमिट का आंसर टू होता है तो आंसर तो टू है बट यहाँ पे अच्छा लिमिट भी सोचना है और बॉक्स भी थोड़ा सोचना तो पड़ेगा तो बिल्कुल मेथडोलॉजिकली करते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं फिर रिमेम्बर वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन वन प्लस फाइव बाय एक्स स्क्वायर का बॉक्स तो एक्स स्क्वायर तो सेम वैल्यू है सेम वैल्यू कैंसिल हो रही है हाँ है ना एवरीवन यस सर बट यहाँ पे देखो कि 1 बाय एक्स स्क्वायर जीरो तो करोगे बट मुझे पता करना है कि ये पूरी वैल्यू 2 प्लस है या 2 माइनस है गॉट इट एवरीवन तो 1 बाय एक्स स्क्वायर इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू बट मैं उसको समझाने के लिए तुम्हें समझाने के लिए 0.01 ले रहा हूँ चलेगा ना यस सर लेट्स से समझाने के लिए तो ऊपर क्या आ रहा है देखो 2 प्लस 0.1 बट नीचे आ रहा है 1 प्लस कितना 0.05 एग्री करो क्योंकि 5 का फैक्टर है हाँ ना कार्टूनो तो 2.01 अपॉन 1.05 आ गया अगर 1.05 इनटू 2 करोगे तो 2.1 होता है क्या समझाना चाहता हूँ ये वाला फैक्टर लेस देन 2 है ग्रेटर देन 2 है लेस देन 2 लेस देन 2 है तो लेस देन 2 का बॉक्स करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 किसी को डाउट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लास्ट क्वेश्चन आज का मतलब इस चैप्टर का एक्चुअली साइन ऑफ फ्रैक्शनल एक्स बाय फ्रैक्शनल एक्स का बॉक्स करो Sir, does not exist, बोल सकते हैं देखो जो बोल रहे हैं बोल सकते हैं मैंने कब रोका है आंसर है नहीं वो अलग बात है अच्छा बॉक्स हो गई फ्रैक्शनल आते ही सबसे पहले क्या डायरेक्ट लिमिट के बारे में सोचोगे या आरएचएल एलएचएल आरएचएल एलएचएल No, yes, it exists. But it's obvious how you are.
नो क्वेश्चन यस पृथ्वीराज नो सामर्थ नो विश्वास नेल करेक्ट करेंट डिस्कस एवरीवन चल सी दैट सी हियर हमारा चल करते हैं पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस RHL के लिए फ्रैक्शनल x इज x माइनस बॉक्स x और 0 प्लस पे तो ये x ही हो जाएगा हाँ है ना एवरीवन यस सर इसका आंसर क्या होता है 1 माइनस तो बॉक्स इज 0 विद मी एवरीवन यस सर 0 माइनस पे फ्रैक्शनल x इज x माइनस बॉक्स x माइनस 1 पे जाएगा तो ये x प्लस 1 हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 जीरो पे अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो अब तो डीएस लगाना है एक तरीके से बस साइन वन बाय वन है साइन वन इज अ वेरी चुन्नी मुन्नी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड वन लेस देन वन मतलब अंदर ग्रेटर देन वन लेस देन वन तो बॉक्स जीरो तो यस लिमिट एग्जिस्ट एंड आंसर इज जीरो क्लियर यस सर जल्दी कॉपी कर लो तो लेक्चर होगा हो गया सबका नो एवरीवन डन यस सर चलो एक क्वेश्चन और लास्ट मिसलेनियस की तरह कर लो ताकि तुम्हें थोड़ा सा चैप्टर की रैपिंग की फील आएगी एक कंटिन्यूटी में भी काम करेगा एक क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा ओके मैंने टाइम टेबल वाले को बोला है बच्चों नेक्स्ट वीक में एक डाउट सेशन अलग से लगाएंगे क्योंकि दो लेक्चर ही है उसमें डाउट लेक्चर में लूंगा तो फिर फोर तो हो गया समझ में आया yes. तो बस नेक्स्ट वीक में डाउट्स के लिए रेडी रहना तुम अपनी बुकलेट फिनिश करो मुझे एक बार बस याद दिला देना टू सेंड यू द बुकलेट सॉल्यूशन एवरीवन सुन लिया यस सर Find limit x tends to 0 gx by x raised to power 1 by x. Karo.
कुछ हिट हो रहा है या बताओ हिंट? एवरीवन यस, जनरल टर्म से थोड़ा सोचते हुए करो, बेटर है। अरे वो जनरल टर्म को सोचो बच्चे, सही को सोचा है तुमने? जनरल टर्म लिखो, पहले टर्म को साइन कॉस में करके टेलीस्कोपिक बनाने की कोशिश करो। अमेरिकन आंसर जो भी है तू बता यार। चलो बच्चों अभी हिंट दे दूं, अब मैं क्या मैं सॉल्व कर दूं, बोलो तुम क्या करो। इवेंट में
एमसीक्यू बनाने से फायदा क्या होगा? चलो एक स्टेप तो हिंट देने का हो गया है टाइम। फर्स्ट टर्म को देखो, जनरल टर्म तो वहीं से हिट भी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को देख रहा हूं मैं, मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म इज साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू इनटू कॉस एक्स। अगर तुमने टेलीस्कोपिक की अच्छी प्रैक्टिस की है तो बता दोगे नेक्स्ट स्टेप इसमें कैसे कर सकता हूँ, बताओ एनीबॉडी? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन एक्स बाय टू, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स बाय टू नहीं, ये साइन एक्स बाय टू और टू का टर्म भी एडजस्ट करना है ना वैसे तो, बट टू का टर्म कहीं नहीं तो डायरेक्टली यही वर्क कर जाएगा आराम से। कि इस एक्स बाय टू को क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स बाय टू। हाँ बच्चों लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू कॉस एक्स। अब स्प्लिट करूंगा तो देखो पहले टर्म में आ जाएगा टेन एक्स, दूसरे टर्म में क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू आ जाएगा टेन एक्स बाय टू। बताओ देखने से ही सही लग रहा है कि यस पहले टर्म में एक्स बाय टू आ रहा है, आए ना कार्टून हो क्या, इंटरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करना होता है गैस बैच को, हाँ या ना? यस सर, यस सर। टर्म को देख के बताओ क्या आएगा, देखो सेम पैटर्न है, यहाँ एक्स बाय टू की जगह एक्स बाय टू स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स की जगह एक्स बाय टू हो गया, तो replacing everywhere x with x by 2 will get you the second term, correct बच्चों? Yes sir. Yes sir. 10x by 2 minus 10x by 2 का square आ जाएगा, तो सबका summation कर दूंगा, तो क्या होगा ये और ये cancel हो रहे हैं, क्या आंसर आ जाएगा 10x minus 10x की बाय x divided by 10x divided by 2 की बाय n, so that is your क्या बोल रखा है उसने f of x, yeah that is your f of x, clear everyone? Yes sir. तो g of x उसने बोल रखा है f of x plus tan of x by 2 की पावर n, मतलब इसको हम उधर ले जाओ तो g of x सिंपल 10x आ गया। तो यहां तक पूरा SNS क्वेश्चन था, अब लिमिट का क्वेश्चन बन गया और वो भी बहुत इजी वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x by x raised to power कितना पूछा है मैंने 1 by x, कौन से फॉर्म का क्वेश्चन हो गया बताना बच्चों, 1 power infinity limit x tends to 0 1 by x into 10x by x minus 1 p की पावर limit x tends to 0 10x minus x by x square, याद है special limits everyone? Yes sir. Yes sir. क्या थी उसको, x square या x cube? X cube. X cube. X cube into x कर दिया, इसका answer 1 by 3 या minus 1 by 3 होता है मुझे कुछ भी जो भी होगा, x इसको क्या बना देगा e की पावर 0, answer क्या हो जाएगा 1, clear everyone? Yes sir. booklet finish करो फिर मैं question bank, अगर तुम कर पाओगे जल्दी से कर लोगे तो मुझसे question bank मांगना, सबको तो नहीं भेजूंगा क्योंकि सब कर ही नहीं पाते, but if you have done then tell me, ठीक है? Yes sir. next class से आप continuity चालू करेंगे, next week में doubt session भी करेंगे, तो limits की booklet complete कर लेना, that's it for today, you can go. फिर तो कल से continuity करवाओगे?